Yes, guys. So CMAT paper is done. Let's ask the students directly. How was the paper? So yes, tell me. How was your paper? Hi. आज CMAT का पेपर था और अभी पेपर खत्म हुआ है. जो ओवरऑल डिफिकल्टी थी वो 90% के आसपास थी. GK is overall good and जो entrepreneurship innovation था वो easy था. Quant भी अच्छा था, मतलब 17-19-20 question करने इसके थे. और जो LR था वो भी इजी था और अपना इंग्लिश है वो भी ठीक ठाक. तो जेन्युइन अटेम्प्ट कितना किया है? जेन्युइन अटेम्प्ट 85 किया है. और सबसे इजी सेक्शन कौन सा था? सबसे इजी सेक्शन क्वांट था. क्वांट सबसे इजी सेक्शन था, दैट इज अ वेरी शॉकिंग न्यूज. और सबसे डिफिकल्ट सेक्शन कौन सा था? जीके वो सबसे डिफिकल्ट. ओके, तो आप कैन यू जस्ट गिव मी योर डिस्ट्रीब्यूशन, आपने कौन से सेक्शन से कितना अटेम्प्ट किया है? फ्रॉम क्वांट 17 LR 19 GK 14 entrepreneurship 19 and English 16. Perfect. And overall अगर आपको rate करना रहे कि paper easy, moderate, difficult, तो कैसे rate करोगे? Out of 5, 4.6. Easy या moderate या difficult? Moderate था. तो आप बाकी के स्टूडेंट्स को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे जो स्लॉट 2 में जाने वाले हैं? व्हाट वुड यू से? अच्छे से जाना, प्रिपेयर करके बस. ओके, ऑलराइट. हां, यस, टू मी द पेपर वाज फेयरली मॉडरेट. ओके, क्वांट LR फॉर मी इट वाज अ बिट चैलेंजिंग. ओके, अदरवाइज इनोवेशन वाज वेरी इजी, डीआरसी वाज इजी एंड जीके वाज ओके. ओके, एंड व्हाट वर द टॉपिक्स आस्क्ड इन क्वांट? Topics asked in quant were time and distance, time and work, Mixture's allegations, arithmetic, geometry, and few other topics. So logarithms and quadratic, ये सब आया था? आया था. And what about DI? There was no DI. And how was GK? GK was a bit difficult. Okay. Anything you would like to suggest to the students in slot 2? Nothing as such. मतलब कि क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, क्या करके जाना चाहिए, एनी लास्ट मिनट टिप्स? नथिंग. ओके, व्हाट इज योर फीडबैक? द पेपर वाज क्वाइट इजी. आई अटेम्प्टेड 18 फ्रॉम क्वांट, 19 फ्रॉम LR, 17 फ्रॉम VA, 16 फ्रॉम GK एंड 18 फ्रॉम इनोवेशन. ओके, तो टोटल कितना अटेम्प्ट किया? 88 क्वेश्चन. ग्रेट. So paper was easy? Yes, quant was very easy. Three questions on Venn diagram. One on profit and loss. Two on permutation combination. Ratio, one question. Simple compound. One on simple interest, one on compound interest. Then arrangement था. लॉजिक में और क्या क्या था? क्रिटिकल रीजनिंग था. क्रिटिकल रीजनिंग के हर एक चैप्टर पे एक एक था. अजम्पशंस पे था, असर्शंस था, सब इस पे एक एक क्वेश्चंस था. तो बट डिफिकल्टी लेवल कैसा था? इजी था, बहुत इजी था, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था. डायरेक्शन सेंस के तीन क्वेश्चंस थे. ओके, फिर एक सिनोनिम. ठीक है, और एंटरप्रेन्योरशिप? इजी था. जीके में क्या पूछा था ज्यादा? जीके में थोड़ा ज्यादा पास्ट में चले गए, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा. ओके, एंड वॉलेट का थोड़ा सा क्वेश्चन था वहाँ पे. ओके, ठीक है. और नेक्स्ट बैच के स्टूडेंट्स को क्या सजेशन देना चाहोगे? अभी जो 3 बजे जो स्लॉट है, वो स्टूडेंट्स को क्या बोलना चाहोगे? जस्ट चिल. अच्छा, टाइम पूरा पड़ा क्या? वाज टाइम सफिशिएंट? यस, सो यू फील कि टाइम इज सफिशिएंट? बहुत कम टाइम या बहुत ज्यादा टाइम ऐसा कुछ लगा? ज्यादा टाइम है, बहुत ज्यादा टाइम है. क्वांट को मुझे ओकेश लगा, मतलब ओके, वन आवर देके भी मतलब बहुत टाइम बचा था. ओके, ठीक है. व्हाट वुड यू सजेस्ट अबाउट द टाइमिंग? फॉर मी LR एंड क्वांट वाज अ बिट चैलेंजिंग, सो इन दोस सेक्शंस इट वाज अ बिट लेंथी फॉर मी, अदरवाइज टाइम वाज एडिक्वेट. ओके, सो यस, so you have heard it from the students directly, guys. The paper was easy to moderate, बहुत ज़्यादा difficult नहीं है. ठीक है, time is sufficient. Quant surprisingly was very easy, however GK थोड़ा tricky था. So all the very best to the slot 2 students. Do not worry, खाली basics quant के formulas करके जाओ, ज़्यादा stress मत लो. Sufficient time है, अच्छे से paper दो. All the very best and we will be live again after the second slot. Thank you guys, bye bye.